to me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। आज किसी बाइक का मैं रिव्यू नहीं करूँगा, बल्कि आज CB150 की टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे। इस बाइक का रिव्यू मैंने पहले कर दिया था, उस वक्त जब रिव्यू किया था तो ये बाइक रनिंग पोजीशन में था। उस वक्त तकरीबन इसकी 80-90 किलोमीटर रनिंग हुई थी, इस वजह से इसको उस वक्त भगाया नहीं था। अब इस बाइक की रनिंग भी कम्प्लीट हो गई है और फुल सेट है ये। अब इसको ज़रा भगा के देखेंगे कि कितना भागता है बाइक। उसके अलावा बाइक के अंदर ऑनर ने कुछ मॉडिफिकेशंस की है। अब हेडलाइट के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सी मॉडिफिकेशन किया है। उसके अलावा बाइक के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाए। अब उसका मैं आपको ज़रा डेमो देता हूँ। तो ये बाइक के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, ये इस तरफ से बाइक अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा बाइक को आप रिमोट के ज़रिए स्टार्ट भी कर सकते हैं, इस तरह बाइक स्टार्ट हो जाएगा। और बाइक के अंदर एक लॉक बटन भी है, अगर आप उसको लॉक कर देते हैं तो उसके बाद अगर कोई आपके बाइक को बिना अनलॉक किए हाथ लगाए तो ये बाइक शोर मचाएगा, जैसे ये अभी मचा रहा है। फिर अगर आपने इसका शोर बंद करना है तो इसके लिए अलग से बटन दिया हुआ है। तो अब बाइक की स्पीड की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी टॉप स्पीड टेस्ट वीडियो। वैसे टॉप स्पीड करके इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि बाइक को जितना भागना चाहिए था, जितनी टॉप स्पीड अचीव करनी चाहिए थी, उतनी की नहीं है। हो सकता है इसकी एक वजह ये हो कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, क्योंकि बाइक के अंदर कोई फॉल्ट तो था नहीं। उसकी वजह यह है कि बाइक कुछ ही दिन पहले ट्यून अप होके आया था, इसी वजह से इस बाइक के अंदर कोई इतना मसला तो नहीं था। इंजन वाइज तो कोई मसला नहीं था, बाकी यही हवा वाली वजह हो सकती है कि इतना बाइक भागा नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको दोबारा भगाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे ज़रूर बताएं। और उसके अलावा बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, बाइक के अंदर कोई मसला नहीं है। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।